तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ देवप्रिया। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ टू टाइप्स ऑफ आईज लुक। सो मैं इस पर दोनों आईज लुक को कवर करूँगी, एक स्मॉल आईज और एक बिग आईज। दोनों आईज है, दोनों आईज पे मैं डिफरेंट लुक को करूँगी ताकि आप लोग और भी अच्छे से दोनों आईज की डिफरेंट देख सकते हो कि दोनों आईज में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है स्मॉल आईज में और बिग आईज। सो चलो ज़्यादा बातें ना बोले, वीडियो की तरफ बढ़ते। सो ओके, लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, if you have a big eyes, then you can convert it to a small eyes, then you can follow in this side. First of all, I am using a brown palette for Mars. So this is my eyebrow palette. So इसमें बहुत अच्छा एक brown color shade है, so इसके लिए मैं इसको use करूँगी मेरी this side पर। So I am using a tone of brown color. सो पहले तो मैं ब्राउन कलर को इस साइड स्मच अप कर लिया है, मतलब मेरे आई लिड पर भी मैं ब्राउन कलर शेड को यूज़ करूँगी। और फिर मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा डार्किश जो ब्राउन कलर है उसको। सो आई जस्ट फिर छोटी आईज करने के लिए हमें कि ब्राउन कलर शेड इसको चाहिए, और फिर जो चाहिए है वो है काजल। काजल को आईज में यूज़ करने के लिए ऐसा तरीके की कुछ ब्रश को यूज़ करी हो, ऐसी टाइप के एक फ्लैट ब्रश को। और फिर मैं आईज के ऊपर मेरा जो लोअर लैश लाइन है मैं उधर पे भी यूज़ करूँगी इस ब्लैक कलर को। बहुत ज़्यादा काजल को बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ नहीं करना है, जस्ट एज इट इज़ एक बार ही उसको लेना है। इधर से कोई भी बाहर में निकलना नहीं चाहिए, मतलब बाहर में फैलना नहीं। आप लोग देख सकते हो मेरा जो कुछ भी इतनी सी है, बाहर नहीं फैले हुए है। सो बाहर प्लीज़ दैट कीप योर माइंड कि बाहर ना फैल जाए, बाहर फैलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है, ऐसे टीज रखना है इसको। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इस शेड को। इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने इस कलर को भी यूज़ करी है, थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। सो आप लोग देख सकते हो मेरे इस आईज से भी ये साइज और भी ज़्यादा की ज़्यादा छोटी लग रही है। सो इस साइड आईज कंप्लीट हो चुके। यस गाइस, इतनी ज़्यादा ही इजी थी। मुझे पता है कि अब सभी लोगों ने सोच रहे थे कि क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है छोटी आईज करने। इफ़ यू आर नॉट लाइक एट स्मॉल आईज देन यू कैन फॉलो इन दिस साइड। सो आप बड़ी है बड़ी आईज करने में, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। सो ओके, लेट्स ट्राई। मैंने इस साइज पर कंसीलर को यूज़ करी हूँ थोड़ा सा। सो मैं इस पैलेट से यूज़ करूँगी दिस कलर। आई एम यूजिंग अ ऑरेंज शेड। मैंने इसको यूज़ करूँगी लोअर लैश पे भी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, वो है
दिस दिस इज़ द वाइट काजल, इसके बिना आपका मतलब जो आईज जो लुक है वो कंप्लीट नहीं होंगे। फिर इसके बाद जो जिसकी बारी है वो है मस्कारा। नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं वैसे मैंने यूज़ कर लिया। फिर इस साइड अगर आप मस्कारा को लेकर लोअर लैश पेन पर भी यूज़ करोगे सो यू हैव नॉट अचीव द बिगर आइज एट ऑल। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जस्ट ए वन लाइन, जस्ट वन लाइन, जस्ट अपनी लोअर लैश पर वन लाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद करना है वो तो आप लोग देख सकते हो दोनों आइज में डिफरेंस। एंड देन आपको जो करना है वो है आपको जस्ट लोअर लैश पर जस्ट एज इट इज कर देना है ताकि ये जो फेक लाइन है वो भी बिल्कुल की तरह मतलब वो भी एक्चुअली में रियल दिखे। This actually look like side is a big eye. So this is the two eyes different, two types of different eyes look. So इनमें आप लोगों को कौन सी बहुत अच्छी लगी? So I hope did you like this video. First of all, if you are new in my video, then do subscribe and don't forget like, comment, share or subscribe to my channel and press the bell icon for more new updating videos. Thank you so much for watching my video. Okay, आज के video यही तक था. So how is this video? Obviously, let me know in my comment section. If you like this video, then hit the like button. Bye bye, मिलती हूँ अगले वीडियो पर।